हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूमन करी। आज का ये वीडियो वैलेंटाइंस डे स्पेशल है, जिसमें हम बनाएंगे बिल्कुल हार्ट शेप की ब्राउनी, और वो भी गेहूं के आटे के साथ। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 1 कप ऑफ अनसॉल्टेड बटर। अगर आप सॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो आप बाद में नमक वाला स्टेप स्किप कर दीजिएगा। इसमें जाएगा 1 कप ऑफ चॉप्ड डार्क चॉकलेट। इसको आपको गर्म करना है, या तो आप ओवन में भी गर्म कर सकते हैं 30-30 सेकेंड्स करके 1 से 1.5 मिनट, या फिर आप डबल बॉयलर पे भी गर्म कर सकते हैं ताकि आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे ये शुगर पाउडर है, जिसको हमने डाला है करीबन 2 कप के जितना। आप मिठास अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं जितनी क्वांटिटी बना रही हूँ उसमें 2 कप शुगर गया है, और ये मैंने ऐड कर दिया 1/2 कप के जितना बटर मिल्क, या फिर आप दही को पतला करके भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें जाएगा वनीला एक्सट्रैक्ट, आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून के जितना वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दिया। इसको साइड में रख देंगे और अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तैयारी कर लेंगे हम। एक दूसरे बोल में मैंने छन्नी रखी, उसमें मैं ये गेहूं का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो 1 कप के जितना मैंने गेहूं का आटा डाला, 1 कप के जितना ये कोको पाउडर डाला अनस्वीटेंड, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून के जितना बेकिंग पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के इसको हम छान लेंगे ताकि कोई इसमें गुठलियाँ ना रहें। बाद में इस तरीके से कोको पाउडर बचेगा, आप इस तरीके से एक स्पून की मदद से उसको भी छान सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिए। तो ये हमारा ड्राई इन्ग्रीडियंट्स रेडी हो गया। अब इसको हम वेट में मिक्स करेंगे। आपको 2 से 3 बैचेस में इसको ऐड करना है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये गेहूं का आटा है तो इसलिए ये जो आपका मिक्स बनेगा ये उतना फ्लोई नहीं बनेगा जितना आपका मैदे से बनेगा, बट हमें इसी तरीके का मिक्सचर चाहिए जैसी कंसिस्टेंसी हमारी है अभी। तो इसी तरीके से हम इसको एक पोर कर देंगे पहले से प्रिपेयर टिन में। यहाँ पे मैं स्क्वायर शेप का 1 kg का टिन यूज़ कर रही हूँ। नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया और साइड्स में इसमें बटर लगाया हुआ है। ऊपर से हम थोड़ा सा और चॉप्ड चॉकलेट स्प्रिंकल कर देंगे, और ये कैंडिड चेरीज आती हैं, आप इस तरीके से चॉप करके उन्हें भी ऊपर सजा सकते हैं, इससे सुंदर लगती है आपकी ब्राउनी। हमने अपना ओवन प्री हीट करने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पे। इसको 2 बार टैप करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट के लिए, या फिर जब तक टूथपिक क्लीन ना आए बाहर। तो मैंने 20 मिनट बेक किया, एग्जैक्टली 20 मिनट में मेरा हो गया था ब्राउनी। एक टूथपिक या फिर नाइफ इंसर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये जो ब्राउनी है वो अच्छे से बेक हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद 10 से 15 मिनट आप इस तरीके से साइड पे नाइफ को एजस पे फेर दीजिए, फिर इसको आप निकाल लीजिए। दोस्तों, आप ये रेसिपी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जैसे मैं नमक डाल के आपको बेकिंग मैंने बताया है पिछले वीडियोस में। आप उस तरीके से करके 20 से 25 मिनट पे ये कढ़ाई में भी हो जाएगा मीडियम हाई फ्लेम पे। हम इसका बटर पेपर अलग कर देंगे और इसको वापस से सीधी वाले साइड पे पलट लेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये गर्म पे ही करके दिखा रही हूँ, बट आप कोशिश करिएगा कि जब तक आपकी ब्राउनी ठंडी नहीं होती है आप कट मत करिएगा, क्योंकि तब ज़्यादा प्रॉपर शेप निकलेंगे। गर्म पे थोड़ा सा क्रम्बली होता है और टूटने का डर होता है। तो इस तरीके के से मेरे पास हार्ट शेप था मोल्ड का, तो मैंने हार्ट शेप का भी किया है और साथ में मैंने राउंडल्स भी काटे हैं। अगर आपके पास हार्ट शेप का नहीं है तो आप नाइफ से भी हार्ट शेप बनाते हुए काट सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ओवर राइप बनाना से कैरमल बनाया था, तो उससे मैं थोड़ा सा इसका डेकोरेशन कर रही हूँ। आपको कैरमल की जो रेसिपी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आई बटन में भी मैं दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, जो कि ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अपना मन चाहा डिज़ाइन आप बना सकते हैं।
ये जो केले से कैरमल बनता है दोस्तों, ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसकी भी रेसिपी देख सकते हैं। और ये कम से कम 2 से 3 महीने तक चलता भी, आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ कि ये ब्राउनी कितनी फजी बनी है। लुकिंग सो टेम्पटिंग, बहुत ही चॉकलेटी और बहुत ही फजी टेक्सचर है इसका। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन याद से प्रेस करिएगा, उससे आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप बेकिंग।